हरेभद्रा जिला में प्राथमिक कृषि केंद्रों में पिछले कई दिनों से बारदाना नहीं होने के चलते धान खरीदी लगभग बंद हो गया है, जिसके कारण किसान परेशान और हताश है। बात करें कजडोल विकास खंड के प्राथमिक कृषि खास सहकारी समिति में, तो पिछले चार दिनों से बारदाना नहीं होने के कारण किसानों को समर्थन मूल्य में धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा बारदाने की कमी को देखते हुए किसानों के बारदाने में धान खरीदी करने का आदेश समितियों को जारी कर दिया गया है, लेकिन किसानों के पास जूट के बारदाना नहीं होने के कारण किसान धान बेचने के लिए भटक रहे हैं। अगर किसान बारदाना बाजारों से खरीदने जाते हैं तो उन्हें 40 से 45 रुपए चुकाना पड़ रहा है। वही शासन किसान को बारदाना के एवज में 15 रुपए देने की बात करते हैं, वहाँ भी किसानों को प्रत्येक बोरे में 25 से 30 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसान सरकार से आस लगा बैठी है कि कब बारदाना आएगा और किसानों की धान समर्थन मूल्य में बिकेंगी। मैं धान बेचे आए हवा तो धान बेचे आए हैं तो पर ये वाला कहीं से कंप्यूटर वाला है कि तोर बोरा हुई तो टोकन कटवा और नहीं हुई तो मत कटवा। बोरा मिल भी नहीं करा थे और मिला थे तो 40-45 रुपये रेट में मिला थे। अच्छा, 15 रुपया कहा था, अभी पूछे हैं कंप्यूटर वाला लता बोरा के लिए बोल रहे हैं, बोरा ले आओ खरीद लेंगे। अब भाई मार्केट में जा रहे हैं 50-60 रुपये बोरा मिल रहा है, इधर भी किसान का नुकसान है, इन लोग 15 रुपया देंगे बोल रहे हैं तो किसान का तो इधर से भी गए उधर से दोनों तरफ से जा रहे हैं ना। हाँ, समिति में अभी तो बारदाना निरंक है, नहीं आया है और आदेश है कि किसानों के बारदाना में खरीदी करना है। परसों से बंद है समिति में, बारदाना नहीं है और कल से अपन किसानों के बारदाना में ही खरीदी कर रहे हैं। अच्छा, अपन यहाँ 1600 कुंटल पर डे के खरीदी होना था, वो 700-800 कुंटल हो रहा है। अब अभी फ़ोन लगा के बात किया हूँ तो बोले हैं कि किसानों के बारदाना में ही खरीदी करना है, अभी एक आध हफ्ता मुश्किल है बारदाना प्राप्त होने में। अच्छा, जैसा आएगा वैसे वितरण करेंगे बोल रहे। हाँ, बाहर से जो है धान जो बारदाना है उसकी कमी, अभी सप्लाई में कमी है जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। तो अभी कई प्रकार के उसके लिए उपाय किए गए हैं, जैसे अभी किसानों से के बोरे से भी खरीदी का प्रयास हो रहा है हम लोगों का। दूसरी बात यह है कि जिस प्लास्टिक बोरे से राइस मिलर को गया है उसके भी प्लास्टिक बोरे से दोबारा खरीदी का भी शासन से परमिशन मिल गया है, सॉफ्टवेयर में प्रावधान हो रहा है। तो राइस मिलर से जब ये प्लास्टिक बोरे वापस हमको मिलने लगेंगे तो वो समस्या कम हो जाएगी।